आज हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस। जैसे कि मैं अभी तक जितनी भी वीडियो है ज्यादातर पढ़ने के ऊपर है, लेकिन आज से हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन सब के बारे में एक एक वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसकी क्या पहचान होती है। तो इसकी पहचान है कि जब भी हम कोई वाक्य हिंदी का वाक्य लिखते हैं तो उसमें ता है, ती है, ते है होता है, ठीक है। और इसकी पहचान यही है कि इसमें ता है, ती है, ते लिखा होता है लास्ट में, यानी कि अंत में। उसके बाद कुछ और पहचान है जो मैं लिखवा देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए लिखा है मैं जाता हूँ या फिर मैं जाती हूँ, तो मैं के लिए आई लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर ता है, ती है, तू है, जो भी होता। तो ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? जाता हूँ, यानी कि जाना या फिर जाता हूँ का होता है गो। तो गो फर्स्ट फॉर्म होती है, तो हमें इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको लिखना होता है, लेकिन इसके और भी रूल्स है जो मैं अभी आगे समझा देती हूँ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं मैं वहाँ जाता हूँ, अगर इस तरीके से है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, जैसे ये सब्जेक्ट है। उसके बाद हमें वर्ब लिखनी है, क्योंकि पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आती है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है, तो गो लिखेंगे। उसके बाद जो भी बचा कुचा ऑब्जेक्ट वगैरह होगा वो आपको लिखना होगा, जैसे कि वहाँ दया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है मैं वहाँ जाता हूँ। आपने देखा पहले सब्जेक्ट, वर्ब और फिर जो भी बचा है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद आगे और सेंटेंस दिखा देती हूँ, फिर इसके और जो रूल्स है वो भी समझा देते हो। अब जैसे कि आप देख रहे हैं वे हर दिन यहाँ आते हैं, तो पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट दे, उसके बाद वर्ब लिखनी है। आने का क्या होता है? आते हैं, तो कम। उसके बाद यहाँ, यहाँ हर दिन, तो पहले क्या करते हैं? पहले सबसे पहला लिखते हैं, फिर पीछे से जाते हैं, यानी कि आते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे वाला, फिर ये, इस तरीके से लिखा जाता है। कोई भी सेंटेंस होता है तो ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले पहला वाला लिखते हैं, फिर पीछे से जाते हैं दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरीके से लिखते हैं, लास्ट वाला, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, ठीक है। तो दे कम हेयर एवरी डे, ओके। तो इस तरीके से हमें लिखना होता है। अभी मैं थोड़े और लिखवा देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने जब तक मैं के लिए हम लिख रहे थे, या फिर जो ऐसे होते हैं जिसमें जैसे कि एक वचन, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी हम क्या लिख रहे थे? मैं। तो मैं में अभी हमें एस नहीं लगाना था, लेकिन अगर हम जैसे वह, या फिर हम एक वचन इंसान पे बात कर रहे हैं, वह, ही, शी, इट वगैरह, तो हमें क्या लिखना होता है? वर्ब के साथ हमेशा एस लगाना होता है, ठीक है। कभी भी हम जैसे वह हो गया या फिर आप हो गया, कोई नाम हो गया, तो उसमें आपको क्या करना होता है? वर्ब के साथ एस जरूर लगाना होता है। तो पहले क्या लिखा हमने? सब्जेक्ट लिखा ही, उसके बाद हमने वर्ब लिखी कम, उसके साथ एस लगाना है क्योंकि यहाँ पर ही है, उसके बाद यहाँ, ठीक है, हेयर। तो इसी तरीके से आपको लिखना होता है, लेकिन ये कहाँ पर एस लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है, ये मैं आपको लिखवा देती हूँ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं एक वचन में वर्ब के साथ एस लगता है, जैसे कि इनकी पहचान क्या होती है? ताहे ती वाले होते हैं, लेकिन अगर ये एक वचन है तो आपको वर्ब के साथ एस लगाना होता है। जैसे हम कम, कम क्या होते हैं? कम है वर्ब। जो भी हम कोई काम करते हैं वो वर्ब कहलाता है, आना जाना, खाना पीना, सब वर्ब है, क्योंकि ये सब कार्य कर रहे हैं। तो इनके साथ हमें एस लगाना होता है अगर एक वचन होगा। शुरू में पता चल जाएगा आपको वह है या फिर किसी एक इंसान के ऊपर बात हो रही है, तो आपको उसकी वर्ब के साथ एस लगाना है, ठीक है। तो ये पता चल गया कि एस कहाँ पर लगाना है। बहुवचन के साथ एस नहीं लगाते हैं। अब आगे जान लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं वे आते हैं, तो यहाँ पर भी ता है, ती है, तो है, लेकिन ये क्या है? बहुवचन है वे। वे यानी किसी और के बारे में बात होती है, वे अपने बारे में बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दे कम, यहाँ पर हमने एस नहीं लगाया,
तो बहुवचन में आपको एस नहीं लगाना है, एक वचन में एस लगाना है। एक वचन क्या, जो किसी एक इंसान के बारे में बात हो रही है, कोई एक इंसान हो, ठीक है। चलिए अब आगे के रूल्स देख लेते हैं। अब देखिए, कभी भी आई अगर शुरू में होगा या फिर यू होगा तो हमें उसकी वर्ब के साथ एस नहीं लगाना है। याद रखिएगा, कभी भी आई और यू के साथ एस नहीं लगाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लिख के दूँ, जैसे कि मैं आता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, आई है। मैंने बोला ना, आई के साथ या फिर यू के साथ एस नहीं लगाते। तो आने का क्या होता है, कम, तो हमने यहाँ पर कम लिख दिया, लेकिन हमें यहाँ पर एस नहीं लगाना है। एक मिनट थोड़ा नीचे करके दिखा देती हूँ, एक मिनट रुकिए बस। हाँ, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आई कम, यानी कि इसमें हमने कम के साथ एस नहीं लगाया, क्योंकि शुरू में यहाँ पर आई था। अगर शुरू में यू होता तब भी हम वर्ब के साथ नहीं लगाते एस, और अगर ये बहुवचन होगा तब भी हम नहीं लगाएंगे एस, ठीक है। चलिए और रूल्स लिख के दिखा देती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जब एक वचन होगा और जो वर्ब होगी अगर उसके लास्ट में ओ होगा तो आपको ई एस लगाना है। क्योंकि देखिए, मैंने बताया कि वर्ब के साथ आपको एस लगाना है, लेकिन एस और ई एस दोनों चीज़ें लिखी जाती है, लेकिन एस कहाँ पर लिखना है, ई एस कहाँ पर लिखना है, ये आपको नहीं पता होता। वर्ब के साथ अगर एक वचन होगा तो वर्ब के साथ ई एस या फिर एस लिखना होता है, लेकिन ई एस और एस कहाँ पर लिखना है, कहीं भी अगर वर्ब में अंत में, जैसे कि यहाँ पर गो के लास्ट में क्या है, ओ है, तो आपको ई एस लगाना है, ठीक है। अगर एस होगा लास्ट में, जैसे यहाँ पर है, तो हमें ई एस लगाना है, और अगर एक्स होगा, एस एच होगा, सी एच होगा, तो आपको एस की जगह ई एस लिखना होगा, और बाकी सभी जगह जहाँ पर ये नहीं होंगे लास्ट में, सब में आपको एस लिखना है, ठीक है। याद रखिएगा, जैसे गो, गो की वर्ब के साथ हम क्या लगा रहे हैं, ई एस, हम चाहते तो यहाँ पर हमें एस लगाना चाहिए था, नहीं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में ओ है तो हम ई एस लगाएंगे। एस होगा तब भी एस लगाएंगे, एक्स होगा तब भी एस लगाएंगे, एस एच होगा तब भी एस लगाएंगे, सी एच होगा लास्ट में तब भी हमें ई एस लगाना है, ठीक है। अब मैं आपको समझा देती हूँ और कौन से ऐसी वर्ब है जिसको आपको चेंज करना होता है। देखिए, कभी भी अगर जैसे आप एस या ई एस लगा रहे हैं और उसके लास्ट में वाई है, जैसे कि ट्राई लिखा है, वर्ब ट्राई लिखा है और आपको यहाँ पर एस लगाना है, तो आपको क्या करना है, वाई को हटा के यहाँ पर आई लिखना होगा, फिर ई एस लिखना है, ठीक है। कभी भी लास्ट में वाई होता है तो वाई को हटा के आई लिख देते हैं और फिर ई एस लगाते हैं। यहाँ पर भी देखिए, वाई है तो वाई का आई लिख दिया और फिर ई एस लगाया। जैसे कि मैंने बताया, जब भी एक वचन होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें वर्ब के साथ एस लगाना होगा या फिर ई एस लगाना होगा, लेकिन वाई है तो हमें ई एस ही लगाना है, लेकिन वाई को आई करके आई ई एस लिखना होगा, वाई को हटा के, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ही ट्राई, लेकिन हम क्या करेंगे, ट्राई को क्योंकि हमें यहाँ पर एस या ई एस लगाना है तो ये गलत हो जाएगा। हमको क्या करना होगा, वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना है तो हमें वाई को हटा के आई ई एस लिख देना है, ट्राइज, ठीक है, तभी आपका सही माना जाएगा। जहाँ पर ता है, ती है, वहाँ पर आपको इसी तरीके से लिखना होगा, ठीक है, समझ में आया। अब मैं आपको एक और समझा देती हूँ, लेकिन एक चीज़ और है, अगर वाई से पहले मात्रा होगी, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, तो आपको क्या करना है, अगर वाई, मान लीजिए इनमें से कोई भी मात्रा है और फिर वाई है, तो आपको इसको ई एस नहीं लगाना है, फिर आपको खाली एस लिखना है, ठीक है। कहीं पर भी अगर वाई से पहले मात्रा होगी तो आपको इसको आई ई एस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली एस लिखना है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कल हम इसके आगे का सीखेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताइएगा, ओके।